दोस्तों, आज के युग में गोरा रंग पाना हर व्यक्ति चाहता है। हम अपने चेहरे को गोरा और सुंदर बनाने के लिए कई प्रकार के बाजार में उपलब्ध ब्यूटी प्रोडक्टों का इस्तेमाल करते रहते हैं, किंतु इन सभी के इस्तेमाल के बाद भी जब हमारे सामने कोई परिणाम नहीं आता है तो हम काफी निराश हो जाते हैं। आई हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसको अपनाने के बाद आप चाहे लड़का हो या लड़की, सभी के चेहरे को गोरा बना देगा और एक चमकदार त्वचा प्राप्त होगी। आइए जानते हैं दोस्तों, वह कौन सा घरेलू नुस्खा है जिसको अपनाने से आप चमकदार और खूबसूरत त्वचा प्राप्त कर सकते हैं, और इन घरेलू उपायों से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यह पूरी तरह से आयुर्वेदिक होते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो आप तक जो है पहुंचते रहें। तो दोस्तों, इस नुस्खे में मैं लूंगा यहाँ पर सबसे पहले खाली बाउल। इस खाली बाउल में दोस्तों सबसे पहले मुझे लेना है यहाँ पर एक टमाटर, जो कि मैंने आधा कटा हुआ टमाटर लिया है। टमाटर का मैं जो इस तरीके से इसमें रस निकाल लूंगा। दोस्तों, टमाटर के रस में प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो कि एक्ने को कम करने में सहायक होते हैं। टमाटर में नेचुरल एसिड होता है जो कि एक्ने और एक्ने स्टार को एस्ट्रिएंट बनकर साफ करने में मदद करता है। इसमें बहुत सारा विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि स्किन से ऑयल साफ करने में मदद करता है। टमाटर ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। टमाटर की मदद से हमारे चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। दूसरी चीज जो मैं इसमें लूंगा दोस्तों, वो यहाँ पर हल्दी पाउडर। मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी का पाउडर जो है ऐड करूंगा। ध्यान से देखें दोस्तों, सिर्फ इतनी सी मात्रा में आपको इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। आपको बता दें कि हल्दी कई तरह से त्वचा की देखभाल के लिए फायदेमंद होती है। ये पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारती है। हल्दी मुहासे के दाग धब्बों को दूर करती है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो बढ़ती उम्र के लक्षणों को दूर करने में सहायता करती है। इसके बाद दोस्तों, अगली चीज जो मैं लूंगा वो दोस्तों बेसन। मैं इसमें आधा चम्मच जो है बेसन का ऐड करूंगा, जो कि आप चने का आटा यहाँ पर जो है इसमें ऐड कर लें। दोस्तों, ये चने का आटा है जो बेसन जो है कहलाता है। आपके यहाँ ऐसे क्या बोलते हैं आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस तरीके से दोस्तों, आधा चम्मच बेसन लेने के बाद में अब मैं इसमें आखिरी चीज जो ऐड करूंगा वो दोस्तों गुलाब जल। मैं इसमें एक चम्मच के बराबर इसमें गुलाब जल जो है ऐड कर लूंगा। दोस्तों, बेसन का इस्तेमाल काफी सदियों से जो है किया जा रहा है। ये हमारे चेहरे का रंग साफ करता है और उसे मुलायम बनाता है। ये त्वचा से अतिरिक्त तेल हटाता है और उसे वापस आने से भी रोकता है। बेसन के छोटे छोटे कण त्वचा से मृत कोशिकाओं को हटाने का काम करते हैं। बेसन मुहासों को भरने से रोकता है और एंटी पिंपल क्लींजर की तरह काम करता है। यह उम्र से पहले चेहरे पर झुर्रियां और त्वचा को लटकने से भी रोकता है। बेसन त्वचा पर स्क्रब की तरह काम करता है। यह रोम छिद्रों को खोलता है और चेहरे के अंदर से सफाई करता है। तो दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पर बेसन का जो है इस्तेमाल किया है। अब आपको इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। हम सभी जानते हैं कि त्वचा के लिए क्लींजिंग, टोनिंग व मॉइस्चराइजिंग बेहद जरूरी होती है। जब आप खूबसूरत दिखने के लिए समय समय पर इन्हें करते रहना चाहिए। इन सब में तो टोनिंग बेहद ही जरूरी होती है, जबकि टोनिंग की मदद से स्किन से गंदगी व अतिरिक्त तेल बाहर निकल जाता है। इस मामले में दोस्तों, गुलाब जल को सबसे बेहतरीन टोनर माना जाता है। गुलाब जल में एंटी एंट नामक गुणकारी तत्व पाया जाता है जो त्वचा को निखारने का काम करता है। तो दोस्तों, ये आपका जो है पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को जो लगाने का तरीका दोस्तों वो ये है, आप जो है उंगलियों की मदद से इस तरीके से इस पेस्ट को लेकर अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करें। इस तरीके से आपको इसे पूरे चेहरे पर लगा लेना है और फिर आपको 15 मिनट के लिए इसे ऐसे लगा हुआ छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद दोस्तों, आपको इस तरीके से गोल गोल स्क्रब करते हुए इसे साफ करना है। दोस्तों, ये मैं आपको अभी गीले पर करके बता रहा हूँ, आप जो इसे सूख जाने के बाद में ही करें। इस तरीके से स्क्रब करने से ये आपके त्वचा से गंदगी और मैल को बाहर निकालेगा और आपकी त्वचा को गोरा बनाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से इसे जो साफ करना है, फिर आपको अपने चेहरे को सादा पानी से धोकर साफ कर लेना है। दोस्तों, इस उपाय को आप हफ्ते में सिर्फ एक बार करें। एक बार के इस्तेमाल से आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा कुछ ऐसा वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।